Good morning children, myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 4. So children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Nav Banao, which is very interesting poem from chapter number 6 and our book name is Rimchim. So children, today we will read pages 44 to 45. तो बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में हम जानेंगे कि किस तरीके से नाव बनाई जाती है, पानी में कैसे बहती है और कैसे वह आगे जाके अटक जाती है। और इस कविता के जो रचयिता है बच्चों, वो है हरि कृष्णदास गुप्त। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाती हूँ। आपकी कोर्स बुक है रिमझिम फॉर क्लास 4। So children, today's our topic is chapter number 6, Nav Banao. So आइए बच्चों, अब आप और हम मिलकर इसे पढ़ते हैं। Nav Banao, भैया मेरे जल्दी आओ। आपने कभी कभी देखा होगा, छोटे छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहनों से जिद करते हैं कि भैया मेरे लिए नाव बना दो, जल्दी से आओ मेरे लिए नाव बनाओ ताकि मैं उस नाव से खेलूंगा। वह देखो पानी आया है, इशारे करते हुए छोटे छोटे भाई बहन अपने बड़े भाइयों से कह रहे हैं, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। पानी कहाँ से आया है बच्चा? आसमान में घनघोर घटाएं छा गई हैं, गहरे गहरे बादल छा गए हैं। तो क्या हुआ है, बादल छाने के बाद बारिश होती है और बारिश के कारण पानी आया है। सात समुंदर भर लाया है, इतना पानी आया है कि सातों समुंदर भर गए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। भैया तुम जल्दी से आओ, रस का सागर मीन्स जब भैया उसके लिए नाव बना देंगे तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। तो वह बच्चा अपने भाई से कह रहा है, तुम रस का सागर भर लाओ, जल्दी से आओ, पानी सब सचमुच खूब पड़ेगा, इतनी घनघोर घटाएं छा गई हैं, ऐसा लग रहा है खूब पानी बरसेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। जो लंबी चौड़ी हमारे घर के सामने से गली जा रही है, वह पानी की पूरी भर जाएगी, लाकर घर में नदी धरेगा, और ऐसा लगता है घर आंगन सभी में नदी ही नदी हो जाएगी। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ, तुम भी जल्दी से मेरे पास आओ और तुम भी मेरे साथ खेलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो भैया। गुल्लक भारी का मतलब क्या होता है बच्चों? गुल्लक होती है एक पॉट की जैसी, जिसमें क्या करते हैं बच्चे, पैसे इकट्ठे करते हैं। तो गुल्लक भारी किसकी होगी? जिसके पास ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा। तो अपने भाई से कह रहा है, जो गुल्लक भारी वाली है आपकी भैया, अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। और मेरी गुल्लक तो हल्की है, मेरी गुल्लक को आप क्यों टटोल रहे हो? पैसे नए नए ही रोलो और वो सारे पैसे निकालो अपनी गुल्लक में से। फिर बाजार लपक तुम लाओ, और फटाफट से पैसे लेके कहाँ जाओ लपक के? बाजार। भैया मेरे जल्दी से आओ, ले आओ कागज चमकीला। और बाजार से कैसा कागज लेके आओ? चमकीला, रंग बिरंगा, सुंदर सुंदर, लाल हरा या नीला पीला, जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप वैसा कागज लेकर आओ, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, जल्दी से कैंची लाओ उसे काटो, और चुटकी मीन्स मोड़ मोड़ के जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। अब क्या हुआ, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा के नाव बन गए। अब उन बच्चों ने नाव को पानी में तैराना शुरू कर दिया। तो कैसे तैरेगी? छप छप कर कूड़े से अड़ती, धीरे धीरे छप छप करके वो तैरना चालू करती। कूड़ा कचरा जो आता जाता है पानी में, उससे वो अड़ती हुई जाती है। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और पानी की जो बूंदें टपक रही हैं उनसे वो लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती,
और सभी उसे गड़ गड़ कर बड़े ध्यान से बच्चे देख रहे हैं। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, इस नाव को तैरा और मुझे खुश कर दो, भैया मेरी जल्दी आओ। क्या कहते मेरी क्या बस का, भैया क्या कह रहे, ये काम तो भैया मेरे बस का नहीं है। क्यों तब फिर ये किसकी बस का, फिर छोटा भैया कहता जब आप नहीं बना पाओगे तो इसे कौन बनाएगा, खोट सभी है बस आलस का। अरे भैया आपको तो नाव बनाना बहुत अच्छे से आता है किंतु आप तो ऐसा आलस के कारण कह रहे हैं। आलस छोड़ो सब कर पाओ, यदि आप आलस को छोड़ दोगे तो आप सब कर लोगे, भैया मेरी जल्दी आओ और मेरे लिए नाव बनाओ। तो इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने मन की भावना व्यक्त कर रहा है, वो उसके जो मन में उत्सुकता है नाव को तैराने की, उसे देखने की और अपने भाई से अपने लिए नाव बनवाने की, उन्हीं सब का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो बच्चों आज की यह कविता आपको बहुत अच्छी सी समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।